अब तक हमने ड्रैगन बॉल सुपर में देखा है जहाँ पर लॉर्ड बीरस और गोकू लड़ रहे थे, तब धरती का भविष्य अधर में लटका हुआ था। जहाँ बीरस की ये जीत बहुत ही कम समय के लिए है, क्योंकि वो धरती को पसंद करता है और उसे डिस्ट्रॉय करने में थक भी जाता है। इस तरह पृथ्वी की बर्बादी टल जाती है और यहाँ शांति लौट आती है, जहाँ योद्धा अपनी फैमिली के पास और हरक्यूल अपने फैन के पास लौट जाते हैं। जहाँ गोकू अपने दोस्त के यहाँ पर यानी किंग काय के यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जाना चाहता है, लेकिन चीची के कहने पर वो रुक जाता है और घर के कामकाज में लग जाता है। तो दोस्तों इसी नोट पे इस एपिसोड की शुरुआत होती है। दोस्तों आपने अभी तक अगर इसका पिछला वाला एपिसोड नहीं देखा है जो यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, जाके उस चीज का मजा उठाओ, इस वीडियो को कंटिन्यू करो। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो। अब हम देखते हैं सुप्रीम काय को, जो कि कह रहा है कि अब ये थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे, क्योंकि ये दोनों गायब हो चुके हैं, लेकिन इसके पहले दो प्लैनेट भी गायब हो चुके थे जो कि अंधेरे में है आज। जहाँ ओल्ड काय कहते हैं मुझे लगता है ये सोची समझी बीरस की ही चाल होगी। जहाँ सुप्रीम काय कहते हैं आपको अजीब नहीं लग रहा है ये बात, जहाँ दो प्लैनेट थे वहाँ पर अभी कुछ नहीं है। अब सुप्रीम काय कहते हैं कि मानो कोई तो जादू से उन्हें गायब करना चाहता था। तभी इधर ओल्ड काय जो है वो हंस रहे हैं और कह रहे हैं थोड़ा इधर थोड़ा ऊपर एकदम परफेक्ट। तभी सुप्रीम काय घूरते हैं, जहाँ मैं बात कर रहा हूँ और आप कुछ और देख रहे हो। तभी ओल्ड काय कहते हैं सामने से हट जाओ। सुप्रीम काय पूछते हैं क्या तुमने अनहोनी नहीं देखी। तभी ओल्ड काय कहते हैं वो देखो टूटा तारा। सुप्रीम काय उधर देखते हैं और ओल्ड काय आगे आ जाते हैं और वो देख रहे हैं कोई तो लड़ाई, लेकिन अब लड़ाई खत्म हो चुकी है। जहाँ सुप्रीम काय कहते हैं ओ मैं भी देखता हूँ, जहाँ वो दो कीड़ों की लड़ाई देख रहे थे। ओल्ड काय कहते हैं कीड़े नहीं बीटल्स है। एक मिनट, तुम क्या सोच रहे थे मैं क्या देख रहा हूँ, असल में मेरी इच्छा है कि आप वो देखें, हाँ टूटा हुआ तारा। इधर गोकू खेत में ट्रैक्टर चला रहा है, जहाँ वो सोया हुआ है तो ट्रैक्टर इधर उधर गोल घूमकर सीधा ही चोटी के नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन गोकू हिलता भी नहीं है, अभी भी सोया हुआ है। जहाँ ट्रैक्टर फिर से खेत में आ जाता है, जहाँ गोकू पेड़ के नीचे आकर रुकता है, तभी क्रिलिन भी आ जाता है। जहाँ ट्रैक्टर बंद होता है गोकू की आंखें भी खुल चुकी है। अब क्रिलिन कहता है कि तुम यहाँ हो। गोकू कहता है इसका क्या मतलब हुआ, मुझे लगा कि तुम अब तक किंग काय के प्लैनेट पर हो गए ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन अब तक तुमने खुद को कैसे रोक के रखा है गोकू। ऐसा नहीं है क्रिलिन, मैं जाना तो चाहता था, लेकिन तुम चीची को तो जानते ही हो ना। जहाँ पर चीची का कहना है कि गोहान के बच्चे के लिए मुझे थोड़ी मेहनत करनी होगी ताकि मैं दिखा सकूं मैं कितना अच्छा ग्रैंडपा हूँ। क्रिलिन कहता है क्या सच में, तुमने तो बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन ये तो तुम्हारे लिए मुश्किल रहा होगा। गोकू कहता है मैंने उसे समझाने की कोशिश की, क्योंकि वो सयान बच्चा होगा तो उसे ऐसी ही चीज पसंद होगी, लेकिन चीची मुझे हमेशा कुछ कहकर इस ट्रैक्टर पर भेज देती है। क्रिलिन कहता है कि ये तो तुम्हारा फर्स्ट ग्रैंड चाइल्ड है ना। गोकू कहता है हाँ ये बात तो सही है तुम्हारी। तभी गोकू कहता है क्या क्रिलिन थोड़ी देर मेरी जगह ले सकते हो। क्रिलिन कहता है हाँ ठीक है, जहाँ पर मैं बोर हो रहा हूँ और इस ट्रैक्टर पर बैठकर तो फूल रहा हूँ, अगर मैंने ट्रेनिंग नहीं की तो मैं लॉर्ड बीरस तक कैसे पहुँचूंगा। क्रिलिन कहता है अगर बात की जाए तो चीजें वैसी नहीं रही जैसे हुआ करती थी। क्रिलिन कहता है बहुत समय पहले हमने मास्टर रोशी से ट्रेनिंग लेनी शुरू की थी। जहाँ हम देखते हैं जब क्रिलिन और गोकू छोटा था, जब ट्रेनिंग कर रहे थे वो मास्टर रोशी के साथ, तब क्रिलिन कैसे तंग किया करता था और इनकी ट्रेनिंग में कितना मजा आता था। और इसी तरह से तुम एक दिन वो योद्धा बन गए जो देवताओं से लड़ सकता है, लोग सिर्फ जिसका सपना देखते हैं। गोकू कहता है कि क्रिलिन तुम पहले से स्ट्रांग हो चुके हो, बस साइज में थोड़े छोटे रह गए। वो गोकू के ऊपर चिल्लाता है। गोकू कहता है मैं मजाक कर रहा था। क्रिलिन कहता है गोकू मैं कहता हूँ तुम मुझे एक बार मारो। गोकू कहता है मैं क्यों मारूंगा। क्रिलिन कहता है मैं जानना चाहता हूँ तुम कितने स्ट्रांग हो चुके हो। गोकू कहता है शायद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें कितने जोर की लगेगी। क्रिलिन कहता है मैं समझ रहा हूँ। गोकू कहता है पक्का तुम ये चाहते हो। क्रिलिन कहता है हाँ मारो, मेरा मतलब इतनी जोर की कि तुम्हें बहुत दर्द होगा, क्या तुम तैयार हो। अब गोकू कहता है लो संभालो। क्रिलिन अपनी पावर एनहांस करता है और गोकू सीधा ही एक मुक्का मार देता है उसके फेस के ऊपर, जहां वो पहले जंगल से फिर एक घर के अंदर से जाकर सीधा पहाड़ पर टकरा जाता है। ये देखकर ही गोकू उसे बचाने तो जाता है, लेकिन वो बचा नहीं पाता। इधर अभी मलम पट्टी चल रही है क्रिलिन की, जहां एंड्रॉइड 18 कहती है ठीक से बैठे रहो हिलो मत। उसकी आंख पर जैसे ही वो मलम लगाती है वैसे ही वो नाचने लगता है। एंड्रॉइड 18 कहती है क्या सोचकर तुमने गोकू को मारने के लिए कहा था।
क्रेलिन कहता है, मुझे बस मार खानी थी, वरना पता कैसे चलता वो कितना स्ट्रांग हो गया है। और क्रेलिन फिर से चिल्लाता है। अब क्रेलिन कहता है कि मुझे लग नहीं रहा था, लेकिन वो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। और अब मुझे समझ में आ गया कि मार्शल आर्ट से संन्यास लेना सही था या गलत। अब मैं तैयार हूँ। एंड्रॉइड 18 कहती है, अपना ये भाषण बाद में देना, अभी मुझे दवाई लगाने दो। जहाँ गोकू अभी भी खेत में खड़ा है ट्रैक्टर को लेके, जहाँ गोकू को याद आता है कि क्रेलिन ने वो बात कही थी पंच मारने के बाद कि भाई गोकू तुम सच में स्ट्रांग बन चुके हो। क्रेलिन कहता है कि मैं भी इतना स्ट्रांग बनूंगा। गोकू कहता है हाँ हाँ जरूर। गोकू कहता है मुझे ट्रेनिंग करती रहनी होगी ताकि मैं इस दुनिया को बचा सकूं, तो उसके लिए मेरे पास पूरा खेत पड़ा है। जहाँ गोकू पावर एनहांस करता है और कहता है चलो काम शुरू करते हैं। इधर हम वेजिटा को देखते हैं जो अभी भी तूफान के बीच में खड़ा है, जहाँ बिजलियाँ कड़क रही है और बारिश भी हो रही है। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं वेजिटा अभी कड़कती धूप में खड़ा है, वो वहाँ से हिल भी नहीं रहा, बस क्लाइमेट चेंज होते जा रहा है। उसी तपती गर्मी के अंदर वो अपनी एनर्जी एनहांस करता है, जहाँ उसकी एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि आसपास का इलाका भी तबाह होने लगता है। जहाँ वेजिटा खुद से ही बात करता है कि मैं अब भी उतना ताकतवर नहीं हूँ, और वेजिटा उड़ने लगता है, मैं कैकरोट को जरूर हराऊंगा, वो भी अपनी ताकत के दम पर, जहाँ पर मैं देवता से भी आगे निकल जाऊंगा। अब हम देखते हैं विज को बुलमा के घर पर, जहाँ विज फिश खाता है और वो इतना नाचने लगता है और कितना टेस्टी है कहने लगता है। जहाँ पर वो खाने की तारीफ करता है और शेफ की भी, जहाँ ढेर सारे पकवान बनने की आवाज से ही विज कहता है थैंक यू बुलमा जी, आपने मुझे ये खाना परोसा। जहाँ बुलमा ने कहा कि आपको तो मैंने बताया था बहुत सारी खाने हैं ट्राई करने के लिए। जहाँ ये टेस्टी पकौड़ा यानी प्रॉन्स खा रहा है ये विज, जहाँ कहता है ये लज्जतदार है और लाजवाब भी। जहाँ बुलमा कहती है मेरे और ट्रंक्स के लिए आप सेफ जगह ढूंढना जब नेक्स्ट टाइम लॉर्ड वीरस इस अर्थ को तबाह करने की सोचे। अब हम देखते हैं वेजिटा घर लौट चुका है। जहाँ बुलमा की नजर वेजिटा पर पड़ती है, वेजिटा मुझे नहीं लगा था तुम इतनी जल्दी लौटोगे। बुलमा कहती है तुम हर बार आते हो ये जगह गंदी कर देते हो, पिछली बार भी तुमने मेरा ड्रेस गंदा कर दिया था। इधर विज उसके ड्रेस की बारीकियों को देखता है। बुलमा कहती है कि एक हफ्ते बाद घर आए हो और अब मुझसे बात भी नहीं करना चाहते, ऐसे पति हो क्या तुम? और तभी नजर पड़ती है वेजिटा की विज के ऊपर। जहाँ वेजिटा पूछता है तुम यहाँ क्यों आए हो, विज कहता है बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। अब विज कहता है मैं ऐसे ही आया था तुम्हारी वाइफ के साथ खाना खाने के लिए। बुलमा कहती है मैंने ही बुलाया था, तो ये कभी कभी मेरे साथ लंच करने के लिए आ ही जाता है। वेजिटा को गुस्सा आता है। जहाँ वेजिटा कहता है ओ ये अक्सर आते जाते रहता है। विज कहता है कि बुलमा मुझे बहुत कुछ खाना खिलाती है जो अक्सर मैंने कभी नहीं खाए होते। जहाँ पर खाने की बात आती है ना वेजिटा, वहाँ पर तुम्हारे घर की बराबरी कोई नहीं कर सकता। मैं यहाँ के अलग अलग पकवान खाकर कभी नहीं थकूंगा। बुलमा कहती है जब तुम घर पर नहीं थे तब हमने खाने पीने के खूब मजे लिए। कितना सारा खाया? विज कहता है हाँ बहुत सारा, बहुत ज्यादा मजे भी किए। वेजिटा चिल्लाता है कि तुम यहाँ आने वाले थे तो पहले किसी को बताया क्यों नहीं? बुलमा कहती है तुम्हें क्यों बताएंगे, ओ अब समझी तुम्हें जलन हो रही है। बुलमा कहती है तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी इतनी खूबसूरत बीबी चार्मिंग विज के साथ खाना खाएगी तो तुम्हें तो जलन होगी ना। वेजिटा कहता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जहाँ बुलमा कहती है क्या कह रहे हो तुम? वेजिटा पूछता है क्या लॉर्ड वीरस भी तुम्हारे साथ है? विज कहता है मेरे प्यारे लॉर्ड वीरस घर पर आराम फरमा रहे हैं। वेजिटा कहता है बहुत अच्छे, अब तुम जल्दी से अपना जादू इस्तेमाल करो और मुझे उनके पास लेके चलो। वेजिटा कहता है बस देखते जाओ, मैं दिखा के रहूंगा कि असली सेयन क्या होता है। बुलमा अकेले में बात करने के लिए बुलाती है। बुलमा कहती है अगर तुम इस तरह से उसके साथ लड़ते रहे तो वो एक दिन पृथ्वी को तबाह कर देगा। वेजिटा कहता है तो करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं प्रिंस सेयन हूँ तो मुझे उसको चुनौती देनी ही होगी। जहाँ मुझे जानना होगा कि मैं इसके लायक हूँ भी या नहीं। बुलमा कहती है मुझे नहीं लगता, तुम देख चुके हो ना, तुम भी हार चुके हो और गोकू भी। वेजिटा कहता है दुखती रथ पर हाथ सिर्फ बीवी ही रख सकती है। बुलमा कहती है विज के साथ दोस्ती बनाए रखना मेरी जरूरत है, अगर पृथ्वी को तबाह करने के लिए लॉर्ड वीरस आया तो हम तीनों तो बचे रहेंगे ना। जहाँ बुलमा और विज आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वेजिटा कहता है रुको आगे मत बढ़ो, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, अगर ये सीधी तरह मेरी बात नहीं सुनेगा तो मुझे जबरदस्ती सुनाना होगा। वेजिटा उसको देखता है और कहता है अरे बाप रे इसके पास तो बहुत ताकत है, ये ताकत इसकी आई कहाँ से है, ये तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर लग रहा है। जहाँ वेजिटा कहता है तुम तो उसके नौकर नहीं लगते, तो तुम हो कौन? सॉरी मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं क्या, मैं हूँ मास्टर लॉर्ड बीरस का। दोनों ही चौंक चुके हैं, क्या बीरस के मास्टर? बुलमा कहती है तुम उनके मास्टर कैसे हो सकते हो? विस कहता है आसानी से, क्या तुम बीरस से ज्यादा ताकतवर हो? विस हंसता है और कहता है ये बात मैं नहीं कर सकता। जहाँ बुलमा कहती है चलो चलते हैं, डेजर्ट इंतजार नहीं कर सकता। वेजिटा कहता है मास्टर क्या मैंने सुना वो सही सुना? जहाँ विस कहता है
कि तुम्हारी शरीर को देखकर मैं अंदाजा कर सकता हूँ कि तुम्हारी शक्ति वाकई में बढ़ चुकी है, लेकिन इसका मतलब तुम ये मत समझना कि तुम लॉर्ड बीरस को कभी हरा भी सकते हो। जहाँ पर तुम्हें अपनी ताकत का तो पता है, लेकिन अपनी एनर्जी पर काबू रखना सीखो। जहाँ पर एक बार तुमने अगर ये सीख लिया तो गोकू भी तुम्हारे सामने पानी कम चाय है। जहाँ पर ये इतना आसान काम नहीं है वेजिटा कि मैंने कहा और तुमने कर दिया और विस बुलमा के साथ चल लेता है। वेजिटा आ जाता है विस के सामने। जहाँ बताओ मुझे, मैं अपनी एनर्जी कैसे काबू कर सकता हूँ, कैसे कैकरोट को हरा सकता हूँ। वेजिटा बहुत ही गुस्से में है, जो कि आखिरकार नीचे झुक जाता है। मैं सारे सेंस का प्रिंस, तुमसे ट्रेनिंग की भीख मांगता हूँ। बुलमा कहती है, सच कहती हूँ, मैंने तुम जैसा खुदगर्ज इंसान आज तक नहीं देखा। विस कहता है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम अगर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाओगे तो मैं खुशी से तुम्हें सिखाऊंगा। तो आगे बढ़े माय लेडी। ये दोनों जाने लगते हैं। वेजिटा चिल्लाता है कि रुक जाओ। वेजिटा कहता है, क्या ख्याल है अगर मैं इस प्लैनेट की सारी अच्छी चीजें तुम्हें खिलाते रहूं? विस कहता है, ओह ये तो अच्छा आइडिया है। बुलमा कहती है, ये तो प्लान मेरा है ना, तो मैं तुम्हें अब भी कुछ खिला सकता हूँ। विस कहता है, ये तो बहुत ही क्यूरियोसिटी बढ़ा रहा है। वेजिटा कहता है, तुम जो चाहो वो जब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम मेरे साथ ना हो। विस कहता है, मुझे जरूर जानना है। वेजिटा कहता है कि देखो, यहाँ पर पकौड़े बहुत ही लाजवाब मिलते हैं, हर तरह के, हर चीज से बने हुए। विस कहता है कि पकौड़े मैं पहले ही खा चुका हूँ। वेजिटा कहता है, तो फिर ये डिश कैसी रहेगी, जहाँ इसका स्वाद तो बहुत ही लज्जतदार है। तभी विस कहता है कि भाई, इसका स्वाद भी और लज्जतदार है, मुझे पता है। कहता है, क्या तुम इसे भी खा चुके हो, जहाँ तुम नूडल शॉप पे भी गए होंगे और हमारे फेवरेट स्टिक हाउस पे भी। अब ये मत कहना कि हॉट पॉट में भी जा चुके हो। विस कहता है, मैंने यहाँ का हॉट पॉट भी चखा है। यहाँ भी? विस कहता है, हाँ यहाँ भी। तो वेजिटा कहता है, मेरे हाथ का तो खाना नहीं खाया होगा ना, खाने के लिए रेडी हो जाओ। जहाँ अंडा पकड़ा है और वेजिटा कहता है, वेजिटा स्टाइल अंडा और राइस। जहाँ बुलमा कहती है, तुम्हें तोड़ना भी आता है क्या? वेजिटा पहला अंडा फोड़ देता है बाहर ही। जहाँ दूसरा अंडा तो मैं तोड़ के ही रहूंगा, वो हाथ में ही फूट जाता है। अब वेजिटा जितनी बार ट्राई कर रहा है उतनी बार वो हाथ में ही फूट रहा है। बुलमा कहती है, चलो चलते हैं। विस कहता है, हाँ जरूर, मुझे भूख भी लगी है। जहाँ इधर वेजिटा कहता है कि रुको, मैं बना ही लूंगा, लेकिन एक अंडे में से चूजा निकलता है। बुलमा कहती है कि कुछ लोग खाना बनाने के लिए नहीं बने हैं वेजिटा, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। वेजिटा कहता है, मैं जानता हूँ तुम अच्छी शेफ हो, लेकिन इतना गुरूर अच्छा नहीं है। वेजिटा कहता है, खैर छोड़ो, लेकिन तुम बताओ अब तक बुलमा ने तुम्हें क्या क्या खिलाया है। जहाँ 5-6 आइटम गिना देता है ये विस। तभी वेजिटा कहता है कि भाई, इस प्लैनेट का सबसे अच्छा खाना तो तुम्हें खिलाया नहीं, जो मैं बनाकर खिलाऊंगा, जहाँ बुलमा को भी वो अच्छा लगेगा। और वेजिटा बनाता है एक प्लास्टिक के बॉल में नूडल, जो कि मैगी है, जिसे खाकर विस कहता है, ओ ऐसा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। जहाँ विस इसकी तारीफ करते नहीं थक रहा है और कंटिन्यू खाया जा रहा है। और उससे भी बड़ी बात है कि इसे सिर्फ गर्म पानी के अंदर डालकर बनाया जा सकता है। मिस बुलमा, मैं आपसे हर्ट हुआ हूँ, आपने मुझे इस कमाल के डिश के बारे में क्यों नहीं बताया? बुलमा रोती है और कहती है, मैंने इसे खास दिन के लिए बचा कर रखा था। जहाँ वेजिटा कहता है, यस, और ये दोनों ही उड़ चले जा रहे हैं। तभी विस पूछता है कि तुम्हें पता था ना कि तुम्हारी वाइफ ने ये नूडल मुझे नहीं खिलाए होंगे, है ना? क्या तुम्हें पहले से पता था कि वो कुछ छुपा रही है? विस कहता है, हाँ मुझे थोड़ा शक तो था। जहाँ तुम्हें इस तरह से नोकझोंक करते हुए देख, मुझे लगता है कि तुम्हारे बुलमा सच में प्यारी बुलमा है। जहाँ वेजिटा और विस पहुंच चुके हैं लॉर्ड बीरस के प्लैनेट पर। और दोस्तों, इसी नोट पे इस एपिसोड का एंड होता है। दोस्तों, आपने अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, कर लो तुरंत। और तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज़ इन।